दोस्तों, यमन को ऐसी वैसी सेना ना समझे अमेरिका, ब्रिटेन और उसके साथ जुड़े हुए 10 देश, और यमन अपने दम पर जो है 10 साल तक इस जंग को लड़ सकता है। और यमन के पास इतने ज्यादा खतरनाक हथियार हैं कि अमेरिका और ब्रिटेन तक की सेना को वो हिला सकते हैं। और यमन के पास जो हैं अब हिजबुल्ला और ईरान के खतरनाक मिसाइलें जो हैं वो पहुंच चुकी हैं। ये मेरा नहीं बल्कि खुद ब्रिटिश मीडिया स्काई न्यूज का दावा है, और स्काई न्यूज ने अपनी सरकार और अमेरिका के साथ जुड़े हुए 10 देशों को चेताया है कि आप बिल्कुल भी यमन को हल्के में लेने की गलती ना करें, इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। और यमन ने जो जो कहा है वो करके दिखाया है, क्योंकि आपको ये लगता है कि उस हमले के बाद यमन रुक जाएगा, तो यमन रुकने वालों में से नहीं बल्कि उल्टा दुगनी तेजी से पलटवार करने वालों में से है। स्काई न्यूज ने अपने इस लेख में पूरी दुनिया को हिला करके रख दिया, और खासतौर पर अपनी ही सरकार और अमेरिका के साथ में कठपुतली बन करके यमन के ऊपर हमला करने वाले देशों को भी चेता दिया और आईना दिखा दिया कि आप यमन से इस जंग में उलझने की कोशिश ना करें, क्योंकि यमन का एक ही गोल है, वो ये कि जो भी जहाज इज़राइल की तरफ जाएगा वो उसे निशाना बना करके रहेंगे। और ये चीजें जब सामने आई हैं तो कई बड़े खुलासे स्काई न्यूज द्वारा किए गए, जहां आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि ईरान बैक्ड हूतीज, जो ईरान का हूतीज के पीछे हाथ है, उसको आप हल्के में ना लें। और ऐसी वैसी सेना समझने की गलती जो है हूतीज को ना किया जाए। और इतने एडवांस हो चुके हैं अंसारुल्ला ग्रुप हूतीस के वो अपने गोल पर सटीक निशाने लगा करके भारी नुकसान पहुंचा सकते हैं। अब देखिए कि जो हुकूमत उनकी यमन के ऊपर हमला कर रही है और वहां की मीडिया अपनी ही हुकूमत को आईना दिखा रही है कि आप लाल सागर में मचे उथल पुथल को लेकर के अपनी इन्वॉल्वेशन वहां ना दिखाएं। और यह भी बताया गया कि यमन हूतीस को हिजबुल्ला और ईरान द्वारा खतरनाक बैलिस्टिक मिसाइलें, ड्रोन जो है वो भेजी गई हैं, ट्रांसफर की गई हैं बैलिस्टिक मिसाइलें, नवल मिसाइल हुदीदा पर, जो इस जगह पर हमला किया गया था, जिस जगह पर एयर स्ट्राइक की गई हुदीदा। और ये हुदीदा वो जगह जहां लाखों लाख लोग हमले वाले दिन सड़कों पर निकल करके एहतजाज कर रहे थे अमेरिका ब्रिटेन के खिलाफ, जहां नारे लग रहे थे कि यमन यमन उठो, आगे बढ़ो और डेविल इज़राइल और डेविल अमेरिका को खत्म कर दो। उस जगह पर जो है खतरनाक बैलिस्टिक मिसाइलें, ड्रोन और नवल मिसाइल यानी कि युद्ध पोत के साथ साथ एक ऐसी शिप जो है ईरान हिजबुल्ला ने यमन को दी है, जिससे वो इस जंग में बड़ी बड़ी मिसाइलें छोड़ करके ब्रिटेन और यूएस युद्ध पोत को निशाना बना सके। इस खुलासे ने हड़कंप मचा दिया है, जो चीजें लोगों के सामने आई हैं, और इसकी तमाम डिटेल को जो है वो साझा किया, क्योंकि अब ये नहीं कि एक मिनट की खबर की और आगे बढ़ जाए, और किस भी खबर की जड़ तक जब तक ना जाए तब तक वो खबर अधूरी सी लगती है। जहां स्काई न्यूज की और डिटेल में गए तो उसने बताया कि हूतीज क्यों बने और अंसारुल्ला ग्रुप क्यों बना। अंसारुल्ला ग्रुप के जो मेन फाउंडर थे हुसैन बदरुद्दीन अल हूती, उन्हीं के नाम पर हूती सेना जो है, यमनी सेना जो है बनी हुई है, और उन्होंने ही बिगुल फूका था इसराइल अमेरिका के खिलाफ, क्योंकि शुरू से ही यमन जो है एंटी इसराइल और एंटी अमेरिका रहा है, जिसके चलते जो है उनके डीएनए में नहीं है कि वो उनके साथ जाएं या वो जो गलत कर रहे हैं उसके खिलाफ चुप बैठ जाएं। और ये खुद
स्काई न्यूज लिख रहा है यमन की ताकत को बता रहा है और यह भी बता रहा है कि अंसार उल्लाह के पास में तकरीबन 20,000 फाइटर्स हैं जो भारी नुकसान अमेरिका ब्रिटेन को पहुंचा सकते हैं। तो वहीं यह भी बताया गया के हुतीज ने ईरान को थैंक्स कहा है क्योंकि अंसारुल्लाह के पास में उन्होंने इंक्लूडेड एडवांस ड्रोन, क्रूज बैलिस्टिक मिसाइलें एज वेल एंटी शिप वेपन्स, जो खतरनाक जंगी जहाज है वो भी यमन को दिया है इस जंग के लिए, ताकि वो अपने दम पर अमेरिका ब्रिटेन को सबक सिखा सके। और यह काम खास तौर पर किया गया है ब्रिटेन और अमेरिका के हमले के बाद में, जहां हुतीज ने ईरान को थैंक्स कहा है, शुक्रिया अदा किया, जहां स्काई न्यूज ने इसके बारे में बताया कि अपने दम पर जंग लड़ सकते हैं और खतरनाक जंगी हथियार, क्योंकि यह भी बार बार जिक्र चल रहा था कि कोई किसी को हथियार नहीं भेज रहा, और अब यह खुलकर के सामने से जो है यमन को हथियार ईरान और हिजबुल्ला द्वारा भेजे जा रहे हैं, जहां आप देख सकते हैं कि उन्होंने बताया कि आप ये सोचते हैं कि 10 देश मिलकर के सना को कंट्रोल कर लेंगे, अपनी स्ट्रेटजी आपको लाल सागर के लिए बदलनी पड़ेगी, तो यह कभी भी मुमकिन होने वाला नहीं है। जब तक हुती जिंदा है, आप ना तो लाल सागर पर कोई कंट्रोल कर सकते हैं और ना ही सना के अंदर कोई भारी नुकसान पहुंचा सकते हैं। और आप इराक समझने की यमन को गलती ना करें, जो कि स्काई न्यूज ने साफ तौर पर यह दावे किए और यह बताया कि उनके लीडर अपने गोल पर सटीक निशाना लगाने के लिए बेताब बैठे हैं। उनके लीडरों ने साफ तौर पर कहा कि हम सिर्फ निशाना बनाएंगे इसराइल की तरफ जाने वाले जहाजों को, आपको जहां जाना है जाइए, पर इसराइल की तरफ नहीं जाने देंगे, और चाहे वो दुनिया का कोई भी देश हो, हम उसके ऊपर हमला करने से रुकने वाले नहीं हैं। जो कहा वो इस जंग में करके दिखाया, जिसके चलते यूएस ने लीड करके अटैक किया और फिर इसके जबरदस्त रिएक्शन जो है यमन की तरफ से भी देखने को मिले। और अंत में इसमें पूरी तरीके से चेताया कि यमन 10 साल तक अपने दम पर यह जंग को लड़ सकता है, फेस कर सकता है। और इसका ताजा उदाहरण जो है आप सऊदी अरब से ले सकते हैं, जहां कई सालों तक जंग को अंजाम जो है यमन पहुंचाता रहा। और आपको अच्छे से याद है कि सऊदी अरब के पास भी किसके हथियार थे, और आपके हथियार यमन के खिलाफ पहले भी फेल हुए हैं और अब भी फेल हो जाएंगे। हर एक पहलू को आपके साथ साझा करता रहूंगा, दीजिए इजाजत।